वेलकम टू डैडाज रेसिपीज। और आज डैडाज किचन में बनने जा रहा है जी 5 मिनट ऑनियन पराठा विद बैटर, नो नीडिंग। और कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा। इतना खूबसूरत कलर्स वाला और इतना अच्छा पराठा जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो चलिए बनाने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें 1 कप मैदा, या आप अगर गेहूँ का आटा इस्तेमाल करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें हम ऐड करेंगे जी 2 टेबलस्पून धनिया, और 1 मैंने प्याज जिसको बहुत फाइन चॉप किया हुआ है, बहुत फाइन, वो डाल जी 1/2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हम जी। तो अभी इसमें मैं 1 कप ही पानी ऐड कर रही हूँ, नॉर्मल वाटर है। अब हम इसको जो है बैटर बनाएंगे, हमने इसके लम्स नहीं बनने देने हैं, हमने इसको बहुत अच्छा सा इसका बैटर बना लेना है जी। तो आप देख सकते हैं 1 कप पानी डालने से ये इस फॉर्म में आ गया है। मज़ीद इसमें मैं 1/2 कप पानी ऐड कर दूंगी और इसका बहुत अच्छा सा फ्लोइंग बैटर जो है वो बना दूंगी जी। 1.5 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और अभी तक हमने इसमें सिर्फ सॉल्ट ऐड किया था, अभी मैं इसमें 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ ताकि ये स्पाइसी भी हो जाए। आप चाहें तो हरी मिर्च को भी चॉप करके डाल सकते हैं। अब ये मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी और अभी मैं इसको रेस्ट पर रख दूँगी 10 मिनट्स के लिए। हो चुके हैं और हमारा बैटर बहुत अच्छा सा सेट हो गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं जी। तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक तवा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर लूँगी, आप चाहें तो बटर या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए जी, ग्रीस हो गया जी। तो तवा हमारा गर्म हो गया है, इस पर मैं भर के 1 स्पून जो है मैंने यहाँ पे चाय वाला तवा ले लिया है और उसको डाल दूँगी और उसको फैला दूँगी कुछ इस तरह से। आप चाहें तो आप पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे तवे का इस्तेमाल किया है। चलें जी, अभी हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम और जब तक ऊपर की सरफेस ड्राई ना हो जाए हम इसको पलटेंगे नहीं जी। तो आप देख सकते हैं ऊपर की सरफेस जो है वो ड्राई हो गई है तकरीबन। तो अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं कि एक साइड बहुत अच्छे से पक भी गई है। अब हम दूसरी साइड को पकाएंगे और फिर उसके ऊपर घी या ऑयल, वट एवर यू वॉन्ट, आप लगा सकते हैं। और इस स्टेज पे मीडियम फ्लेम है, हम इसकी साइड्स को इस तरह से दबाएंगे। तो अभी इसकी ऊपरी सरफेस पे मैं ऑयल लगा रही हूँ ताकि बहुत अच्छा सा प्यारा सा हमारा ये पराठा जो है वो बन जाए। और अभी हम इसको दबा दबा के पकाएंगे ताकि बहुत अच्छा सा कलर जो है वो निकल आए जी। तो अभी हम इसकी दूसरी साइड को भी ऑयल लगा देंगे और उसको भी पलट देंगे ताकि दोनों साइड बहुत अच्छी सी हमारी कुक हो जाएं। याद रहे कि मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम पे रखा हुआ है इस तरह करके। तो ये देखें जी, हमारा ऑनियन पराठा विद बैटर रेडी है। तो इसी तरह मैं तमाम पराठे जो है वो बना लूँगी जी। तो हमारे क्रिस्पी ऑनियन पराठास रेडी हैं, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही कलरफुल। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को रिंग कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।